हम्म, ये क्या? नोबिता नहीं आया? आज मेरा घर जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा। मदद करने के लिए शुक्रिया डोरेमोन। कोई बात नहीं। हाँ? मॉम गुस्सा होंगी। हाँ? हाँ? ऐसा करता हूँ, मैं चुपचाप अंदर चला जाता हूँ ताकि मॉम देख। अरे? हाँ? मेरा कीमती दिन आज बर्बाद हो गया। जमीन खोदना कितना मुश्किल काम है। ये डैड क्या कर रहे हैं? मुझे उनसे भी छुपना होगा। चुपचाप चला जाता हूँ। तो तुम आ गए नोबिता। आज तुमने आने में बहुत देर कर दी। चलो अब खेलने चलते हैं। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरा खेलने का मन नहीं कर रहा। वो मुझे फिर से स्कूल में रुकना पड़ा अपना होमवर्क ना करने के लिए। हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ कि स्कूल से आते ही सबसे पहले अपना होमवर्क खत्म करो। हाँ? मैं ये बात जानता हूँ, ऐसा करने की सोचता हूँ पर तुम बहुत सुस्त हो जाते हो और अपना होमवर्क करना भूल जाते हो। नहीं डोरेमोन, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। लो खुद देख लो, मैं हमेशा यहाँ अपने डेस्क पर पढ़ने की कोशिश करता हूँ पर अपनी किताब निकालते ही मुझे नींद आती है, पर फिर भी मैं किताब खोलता हूँ। ओफो, ये सब कितना मुश्किल है। मुझे तो खाने पीने का मन करता है, या कॉमिक बुक पढ़ने का मन करता है, या फिर सिजुका से मिलने का मन करता है, और फिर मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। उसके बाद मुझे आराम करने की जरूरत महसूस होती है। उसके बाद मैं लेटते ही फौरन सो जाता हूँ। दूसरे शब्दों में तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता है ना? ऐसा बिल्कुल मत सोचो डोरेमोन, मैं चाहता हूँ कि मेरा पढ़ाई में ध्यान लगे। अगर तुम कहते हो तो फिर ठीक है। सोप बबल हेलमेट। नोबिता, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब भी तुम कोई काम शुरू करने लगो तब इस सोप बबल हेलमेट को पहन लेना और फिर देखना तुम हर काम मन लगा कर करने लगोगे। समझ गए? चलो अब अपनी टेबल पर बैठो। नोबिता बैठो। ये मैं पढ़ूंगा। हाँ, अब नोबिता का ध्यान इधर उधर बिल्कुल नहीं जाएगा। आइडिया। नोबिता, अब एक ब्रेक लेकर ये डोरा केक खा लो। अरे, क्या तुम्हें ये नहीं चाहिए? अरे वाह, ये कॉमिक तो बड़ी मजेदार है। अरे अब वो गैजेट काम आएगा। इंडियन फेदर हेड ड्रेस। जिंगा लाला हू हू, जिंगा लाला हू हू। नोबिता, मैंने तुमसे कहा था ना कि कमरे में शोर मत मचाया करो, तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? नोबिता, ये सपना तो नहीं? मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है। जिंगा लाला हू हू, जिंगा लाला हू। जब नोबिता पढ़ रहा हो तो उसे तंग मत किया करो डोरेमोन, समझ गए ना? हाँ। वैसे भी वो कभी कभी ही पढ़ाई करता है। अच्छे से पढ़ाई करना नोबिता, गुड लक। चलो अब मैं जरा देखता हूँ। हाँ? पूरा हो गया। हाँ? ये तो कमाल हो गया है। अब देखो। वाह, मेरा होमवर्क हो गया, इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। अरे तुमने तो कमाल कर दिया नोबिता। आपका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ, मुझे लगता है आपको थोड़ी देर और लगेगी। ठीक है, मैं जरा सामान लाने बाजार जा रही हूँ, घर का जरा ख्याल रखिएगा।
कितने शर्म की बात है कि मैं कूड़े के लिए गड्ढा भी नहीं बना सकता। डोरेमोन, क्या तुम मुझे प्लीज वो गैजेट फिर से दे सकते हो? लेकिन किस लिए? मैं तो तुम्हारे इस कमाल के गैजेट को समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तुम नहीं चाहते कि मेरे हाथों से कोई नेक काम हो? थैंक यू वेरी मच डोरेमोन। जल्दी वापस कर देना। अब चिंता करने की कोई बात नहीं है डैड, अब आप अपना काम आराम से कर लेना। ये सचमुच कमाल का गैजेट है, इससे लौटाना अच्छी बात नहीं, मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए। किसी भी काम में कामयाबी पाने के लिए मेहनत की सख्त जरूरत होती है। नोबिता, ये दोनों, मैं नहीं चाहता ये दोनों मुझसे ये गैजेट छीन ले। क्या छुपा रहे हो? कुछ भी नहीं, बाय। रुक जाओ। वाह, चीटियाँ? ये चीटियाँ कहाँ से आ गईं? अरे देखो, वो तो एक बड़ा कीड़ा लेके जा रही हैं। अरे वाह। ठीक है, चलो देखते हैं ये इस कीड़े को कहाँ ले जाती हैं। तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन चीटियाँ बहुत ही मेहनती होती हैं। मैं इस गैजेट की मदद से सभी की भलाई करना चाहता हूँ। एक मिनट, एक बात तो मैं भूल ही गया था। क्या? मैं किस चीज पर ध्यान लगाना चाहती हूँ? मेरे पास एक है। क्या सच में सुजुका? वो क्या चीज है? वो ये स्वेटर है, लेकिन इसे मैं पिछले साल से पूरा नहीं कर पा रही हूँ। मतलब ये है कि तुम इस काम में ध्यान नहीं लगा पा रही हो। बिल्कुल सही। चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, इसकी मदद से तुम स्वेटर बुन के ही सांस लोगी। ओके? क्या सच में? हाँ बिल्कुल, तुम फिक्र मत करो, बस स्वेटर बुनना शुरू करो। सुनो सुजुका, गुड लक। मैं बहुत खुश हूँ, जब तुम्हारा स्वेटर पूरा हो जाए तब मुझे दे देना। ओके? ये बहुत कमाल की चीज है दोस्तों। बिल्कुल अनोखी, इसीलिए अगर किसी को भी ध्यान लगाने की जरूरत है तो वो सो बबल हेलमेट ले सकता है। अच्छा, क्या इससे ऐसा होता है? मेरे डॉग को ट्रेन करने के लिए, मेरे पियानो लेसन के लिए। हाँ। मेरे डॉग को ट्रेन करने के लिए। हाँ। और मेरी पजल्स के लिए। बिल्कुल, चिंता मत कीजिए, सबको ये हेलमेट मिलेगा। पहले लाइन में खड़े हो जाइए, एक एक करके आइए, भीड़ मत करिए। मैं हैरान हूँ, नोबिता कहाँ गया? लगता है वो उस गैजेट का इस्तेमाल मजे लेने के लिए कर रहा है। आज का दिन कितना अच्छा था, मैंने कितने लोगों की मदद की, मुझे बहुत अच्छा लगा सचमुच। सुनियो बेटा। जियान, कहाँ हो तुम? घर आ जाओ बेटा। अरे ये तो सुनियो और जियान की मॉम है। क्या वो दोनों अभी तक घर नहीं आए? अरे नोबिता ने उनके साथ कुछ किया तो नहीं? मुझे सुनियो की चिंता हो रही है। देखो अगर जियान उसके साथ है तो चिंता की कोई बात नहीं। इसी बात की तो चिंता है। अरे मेरे बेटे, जियान बेटा। मुझे नोबिता को जल्दी से ढूंढना होगा। ला ला ला। बताओ तुमने फिर से कोई शैतानी की है ना? नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने इस गैजेट की मदद से सबकी मदद की है और सबका बहुत फायदा किया है। और काम हो जाने के बाद तुमने हेलमेट का बटन बंद किया था? क्या मतलब है तुम्हारा?
मेरा क्या मतलब है का क्या मतलब? हेलमेट पहनने के बाद तुम तब तक नहीं रुक सकते जब तक उसे बंद ना कर दो। मुझे जवाब दो। क्या? मैं जवाब दूं? लेकिन कैसे? वो सारी चीटियां चली गईं। हाँ, लेकिन हम यहाँ उनका इंतजार तो कर सकते हैं जियान। तुम्हारी वजह से ये दोनों। ये बढ़िया है ना, इन दोनों का यहाँ बैठे रहना सबके लिए फायदेमंद है। ये तो सच है पर शिज़ुका बेटा चलो जरा जल्दी से नहा लो। मैं बाद में नहा लूंगी। हाँ? शिज़ुका क्या कर रही? ये क्या हो रहा है शिज़ुका बेटा? शिज़ुका बहुत हुआ। हमें माफ करना। अच्छा हम चलते हैं। बाय। मेरे कंधे दर्द कर रहे हैं। सब ठीक हो गया। इन गैजेट्स को इस्तेमाल करते वक्त तुम्हें सावधान रहना चाहिए। माफ कर दो। चलो अब घर चलकर हम दोनों डिनर कर लेते हैं। हाँ बहुत भूख लगी है। हम आ गए। हमें बहुत भूख लगी है। ये क्या घर पर कोई भी नहीं है? कमाल है ये हो क्या रहा है? अरे कोई मुझे बचाओ। नोबिता चलो जल्दी चले। प्लीज रुक जाइए, रुक जाइए ना प्लीज। मैं डैड को भूल गया था। बस इसी वजह से मैं तुम्हें गैजेट्स नहीं देता समझे? अब जल्दी जाओ और हेलमेट बंद करो। क्या मैं करूं? क्या तुम नहीं जा सकते? क्या कहा? नोबिता डोरेमोन ये सब तुमने किया है ना? मॉम यकीन मानिए ये सब डोरेमोन की गलती थी। ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने वो गैजेट यूज किया था ना